जब तक मैंने ये चीज नहीं समझी थी कि हर एक सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनकी प्रैक्टिस किस रिसोर्सेस से करनी चाहिए ताकि कंप्लीट अवेयरनेस और फुल प्रूफ प्रिपरेशन हो पाए तब तक मैं अपने आय स्कोर में आगे नहीं बढ़ पाई थी गाइस। सो गाइस इस वीडियो में स्ट्रेस करेंगे कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जो आपको लेने चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट या बियो मिनिमम कॉस्ट पे जो आपको कम्पलीट स्ट्राटेजी की अवेयरनेस प्रोवाइड करता है जैसे की रीडिंग सेक्शन में एम सी क्यू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आए जाएंगे और उसके अलावा आपको कौन से रिसोर्सेज है जो आपको रेफर करने चाहिए स्पेसिफिकली रीडिंग और लिसनिंग के लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी गाइस जिसमें मैंने राइटिंग और स्पीकिंग के ऊपर बेस्ट रिसोर्सेज को रेफर किया था और उनकी डेमो प्रोवाइड किया था उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करिए या उस वीडियो का लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो चलिए अब बात करते हैं दो पर्टिकुलर सेक्शन जैसे मैंने कहा रीडिंग और लिस्निंग पे उनके रिसोर्सेज और उनके साथ साथ उनका डेमो भी देखते हैं इस वीडियो में सो लेट्स गेट स्टार्टेड और इससे पहले गाइस प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है मैंने ये खुद रिसोर्सेज रेफर किए और मैंने बैंड एट स्कोर किया था तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहला रिसोर्स है गाइस आइल्स डॉट ओ आर जी जो कि रीडिंग सेक्शन का पहला रिसोर्स है इस रिसोर्स से पर्टिकुलरली हमें सारी तरह के क्वेश्चन टाइप्स जो कि रीडिंग में एक्सपेक्टेड है वो बताए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए एक छोटा सा पीडीएफ दिया जाता है जिससे आप रेफरेंस ले सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मोबाइल स्क्रीन पे पूरा का पूरा वेबसाइट विजिबल है और ये आपके स्क्रीन पे विजिबल है तो सबसे पहले हम जाते हैं फॉर टेस्ट टेकर्स हाउ टू प्रिपेयर ऑप्शन पे यहाँ पे आप स्क्रोल डाउन करिए और आपके पास ऑप्शन आता है आयल सैम्पल क्वेश्चन उस पर क्लिक करिए स्क्रॉल करते करते आप पहुंचेंगे रीडिंग सेक्शन पे सो फॉर एग्जांपल मैं जाती हूँ एकेडमिक रीडिंग पे यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि आपके पास सारी तरह के क्वेश्चन है मैचिंग फीचर्स टेबल कंप्लीशन फ्लो चार्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सारी तरह के तो मैं एक सैम्पल क्वेश्चन खोलती हूँ जैसे कि टेबल कंप्लीशन अब टेबल कंप्लीशन पे ये छोटा सा पीडीएफ आ रहा है आप पी को पढ़िए पहले वो एक छोटा सा ऐसे है और उसके बाद आपको दिए गए क्वेश्चंस नाइन टू थर्टीन को अटेम्प्ट करना है तो ये एक रेफरेंस है और एग्जैक्ट डुप्लीकेट अगर मैं कहूँ एक एग्जैक्ट वर्ड पे तो डुप्लीकेट क्वेश्चन आपको आइल्स टेस्ट में दिए जाते हैं इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा गाइस अगर आपको क्वेश्चंस की तैयारी है अवेयरनेस है तो आप पहला स्टेप को पार कर चुके अब दूसरे रिसोर्स पे जाते हैं गाइस आफ्टर यू हैव सीन ऑल दीज ऑप्शन एक एक ऑप्शन को देखिए अब हम बढ़ेंगे जब आप इतने प्रिपेयर्ड हैं तो बढ़ते हैं दूसरे रिसोर्स की तरफ सो गाइज इस वेबसाइट का जो आपके स्क्रीन पे विजिबल है इसका नाम है आइज पहले हम जाते हैं रीडिंग सेक्शन पे और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे जाइए रीडिंग एक्सरसाइजेस पे यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास सैम्पल एक्सरसाइज क्वेश्चन है स्क्रॉल डाउन करिए और आपके पास लेसन वन टू थ्री फोर करके हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रीडिंग में आए जाते हैं उनके ऑप्शन है तो मैं क्लिक करती हूँ लेसन थ्री सेंटेंस कंप्लीशन पे यहाँ पे आप अगेन स्क्रॉल डाउन करिए स्टार्टिंग में आपके पास एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन होगी कि किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और उसके बाद एक सैंपल आप आंसर को पिक कर सकते हैं सॉरी सैम्पल ऐसे को पिक कर सकते हैं तो फॉर एग्जांपल नीचे आप स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे हाउ एटम्स वर डिस्कवर्ड पहले ये आपको दिया जाएगा उसके बाद बाद नीचे स्क्रॉल करने के कॉम्प्रीह क्वेश्चंस दिए जाएंगे सेम प्रोसेस आपको हर एक टॉपिक के लिए करना है लेसन वन टू थ्री फोर जाते रहिए और हर एक लेसन के लिए प्रैक्टिस करिए तीन से चार एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे तो इनफ है आपकी स्टार्टिंग ऑफ दी वन मंथ प्रिपरेशन के लिए तो गाइस अगर ये रिसोर्सेस आप सहमत है डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो अब प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जो कि हमारा लिसनिंग सेक्शन आई थिंक वन ऑफ दी फेवरेट्स काफी सारे स्टूडेंट्स का क्योंकि हमें इंग्लिश समझ तो आ जाती है लेकिन बोलने में प्रॉब्लम आती है तो इस सेक्शन में देखते हैं कि क्या रिसोर्सेज क्या अप्लीकेशन हमें रेफर करनी चाहिए और कैसे प्रिपेयर करना है तो लिसनिंग के लिए घरेलू नुस्खा देती हूँ सबसे सिंपल और सबसे इजी टेक्निक हम लिसनिंग टेस्ट को एक फन लर्निंग बना सकते हैं कैसे हॉलीवुड मूवीज देख के सब टाइटल्स के साथ तो आपको करना क्या है आपको सब टाइटल्स पढ़ते रहने हैं और जो भी इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन हो रही है जहां आप स्किप कर रहे सब टाइटल्स रीड करिए इससे क्या होगा आपकी लिसनिंग स्ट्रॉन्ग होगी एट द सेम टाइम अंडरस्टैंडिंग तो जब आप रीड कर रहे हैं तो आप रीडिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं फास्ट रीडिंग और जब आप सुन रहे हैं तो आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करें इससे धीरे धीरे आप ब्रिटिश एक्सेंट जो पर्टिकुलरली यूएस एक्सेंट कहूंगी जिसमें हमारा लिस्निंग uh, टेस्ट दिया जाता है उससे आप हो जाएंगे और जब टेस्ट में इसी एक्सेंट में बोला जाएगा तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर इजिली समझ जाएगा और आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या स्टेटमेंट का क्या आंसर है तो ये एक बहुत बेसिक सबसे इजी टेक्निक है गाइस इसके अलावा आप एमेजन को रेफर करिए एमेजन ऑडियो बुक्स को उस उसपे बहुत सारे फॉर्मेट्स में कॉन्वर्जेशनल फॉर्मैट डायलॉग फॉर्मैट इंटरव्यू फॉर्मैट सिर्फ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन इन सब के ऊपर बहुत सारे ऑडियो बुक्स है किसी भी फ्री ऑडियो बुक को रेफर करिए चलते हुए ऑफिस जाते हुए पढ़ते हुए वर्क पर जाते हुए आप सुनिए और इससे आपकी इंग्लिश की फेमिलियरिटी बढ़ेगी यही की कॉन्सेप्ट है लिस्निंग में जितना आप सुनेंगे उतना ज्यादा आप फेमिलियर हो पाएंगे सो so गाइस इतना आई थिंक इनफ था रीडिंग और लिसनिंग के लिए टू स्टार्ट विद लेकिन जब आप इन सब रिसोर्सेस को एग्जॉस्ट कर चुके हैं मतलब काफी अच्छी से बिल्कुल जैसे घोट के पी लेते हैं वो कर चुके हैं उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी जाइए कैम्ब्रिज इंग्लिश बुक्स की तरफ क्योंकि कैम्ब्रिज इंग्लिश बुक्स हमारा एंड रिजल्ट है एक एंड प्रिपरेशन टाइम पे यही बुक्स है जो आपको बेस्ट प्रैक्टिस और टू द पॉइंट प्रैक्टिस प्रोवाइड करवाएगी तो स्टार्टिंग में इसको यूज करके एग्जॉस्ट मत करिए गलती आप बहुत सारे यूजर्स करते हैं आयल्स टेकर्स करते हैं अवॉइड करिए ये मिस्टेक एंड के लिए प्रिपरेशन के लिए रखिए फिर आप जाइए सेक्शनल टेस्ट की तरफ लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग कुछ सेक्शनल टेस्ट दीजिए जब आपके पास काफी कॉन्फिडेंस है फिर आप जाइए फुल लेंथ टेस्ट की तरफ तो इस तरह से आपकी फुल प्रूफ आइल प्रिपरेशन हो पाएगी और आप एक अच्छा बैंड स्कोर कर पाएंगे सो so गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए Happy learning to you.